एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टेलरिंग जेडॉन पावर्स मल्टी ब्रांड शॉप सोग्रेश्वर कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट टीपू सुल्तान सर्कल गौशाला रोड रायचूर। ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है, हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स। आदाब नाजरीन, एवन टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के LBS नगर से थोड़ी दूर पर जो मक्का मस्जिद है बिल्कुल उसके रूबरू अली कॉलोनी चंद्रबंडा रोड पर। आज यहाँ पर एक मुफ्त कैंप रखा गया था, आइए आज उस कैंप के ताल्लुक से मैं तफसीली मालूमात करता हूँ। जैसा कि आप पीछे जो बैनर देख रहे हैं, कदीम व देसी तरीक़ा इलाज यानी एक कदीम इलाज किस तरह से किया जाता है। आजकल आप देख रहे हैं मॉडर्न ज़माने में लोग थोड़े से इलाज को लंबा बनाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, बावजूद उसके जो कदीम इलाज होता है उसकी कई एक राहतें हैं मगर लोग उससे दूर हैं। मगर उसी को जो पुराना कदीम तरीक़ा है उसी को खरीब करने के लिए आज हमारे बीच कई एक हकीम भी आते हैं मगर लोगों को उन पर भरोसा नहीं होता। मगर जो मेरे सामने बैठे हैं उनका ताल्लुक कड़पा से है, बावजूद वो रायचूर शहर के आटो नगर में सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कई लोग शिफायाब भी हो रहे हैं। एवन टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है जिसने हम सबको पैदा फरमाया और हम सबको खिदमत खल्क के लिए बनाया। ये बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है जो आज हम जो है ये खिदमत कर रहे हैं। लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप रखे हुए हैं जिसमें हिजामा और आकूपंचर और सूजोक तराफ़ी और कदीम तरीक़े इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है कर रहे हैं लोगों की खिदमत के लिए। इल्लाए के हमारा काम पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ लोगों की खिदमत करना है, लोगों को बीमारियों से बचाना है, लोगों को राहत में लाना है, लोगों में अमन की ज़िंदगी को आम करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपका नाम सर? जी मौलाना हकीम साहब है मेरा नाम, मैं कड़पा शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस शहर में खिदमत करने का मुझे शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह साल से आप खिदमत अंजाम? जी तकरीबन 3 साल से जो है मैं शहर में हफ्ते में एक बार कैंप चलाता हूँ और आज जो है माशाल्लाह बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमारे बचपन में एक डॉक्टर जो होता था MBBS वो पूरे अमराज को देखता था मगर आज हर एक पार्ट्स का एक एक स्पेशल डॉक्टर है सर से लेकर नाखून तक। अच्छा अब ये जब आप इलाज करते हैं तो इसमें भी आपकी कोई ख़ास चीज़ें हैं या पूरे अमराज को? कुछ पूरे अमराज हैं इसमें और जैसे हर बीमारी के लिए हैं, कुछ छुपी हुई बीमारी जो पेचीदे मसले हैं उन पेचीदे मसलियों के लिए हमारे पास नहीं है। इंशाल्लाह जो है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि भाई हर मामले के लिए हमारे पास राहत भरी, इंशाल्लाह राहत भरी ज़िंदगी के लिए हम जो है हमारा नाम भी जो है सेहत और ज़िंदगी के नाम से हम रखे हैं कि क्योंकि सेहत अगर है हमारे पास हमारी ज़िंदगी बेहतर है, जब हमारी सेहत ही नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले के लिए भी हम जो है दवाएँ रखे हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जैसा कि रायचूर शहर में भी कदीम कई एक ज़माने से हकीम थे, आज भी कई एक लोग हैं, किसी को अगर इरखान हो तो काढ़ा वगैरह पिलाते हैं, किसी को अगर कुत्ता काट ले तो दवा देते हैं, किसी की आँखों के लिए या पेट के अमराज के लिए, और कई लोग यहाँ से हैदराबाद को हार्ट के लिए ख़ास कर जाते हैं। मगर आपके पास ज़्यादातर लोग किस मर्ज़ को लेकर आते हैं? जी हमारे पास जो है हर मर्ज़ के लिए आते हैं, जैसा गैस टेबल है और फिर बाद में आके बवासीर का मसला है और आँखों का मसला है और बहुत सारे मसाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है लोगों को राहत भरी ज़िंदगी हम दे रहे हैं। अब हम जो है खिदमत खल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी अरसे से इसमें मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पेट के यानी पेट के मर्ज से बहुत लोग वो गैस जो है हमारे खाने में खाने का जो तरीक़ा है हमारा वो तरीक़ा अगर बदल गया हमारा हमको गैस नहीं आएगा। तो गैस आने की वजूहत क्या है, हम जल्दी खाते हैं और फिर उसके साथ में खाने के साथ में पानी पीते हैं और पानी पीने की वजह से गैस चालू हो जाता है। इसलिए हम जो है खाने को अलग करें और पानी को अलग करें। खाने से पहले जो है पानी ना पिए, खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, खाने के दौरान नहीं पीना चाहिए, खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को अगर पकड़ लेंगे इंशाल्लाह कोई भी बीमारी हमको नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुल अमराज जो है पेट है।
अगर जिसका पेट दुरुस्त हो जाए उसे बीमारी कोई भी बीमारी नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर इस कैंप में किन किन चीज़ों का इलाज हो रहा है? इस कैंप में जो है हिजामे के लिए हम रखे हैं और इसके साथ में जो है सुजोग तराफी है, फिजोथेरेपी है और मसाज तराफी है। ये फिजोथेरेपी तो मालूम, ये फिजोथेरेपी फिजोथेरेपी जो है वो न्यूरो सिस्टम का है, यानी कि रगों को सेट करना है। जिसकी भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो उसको जो है ब्लड सर्कुलेशन आगे बढ़ाते हैं, वही है जी। और वो जो सुइयां वगैरह लगाए हैं लोगों, वो आकुपंचर है, वो आकुपंचर जो है जिसका भी अगर ब्लड अगर ब्लैक हो गया उसको खोलने के लिए वो एक तरीका है, इलाज है, देसी कदीम तरीक़ों का वो भी एक इलाज है। यानी जो ऊपर रगें नज़र आती है जो ब्लॉक होती हैं, अगर किसी के आजकल ज़्यादातर लोगों को सर में कई एक रगों को ब्लॉक हो रहा है, हार्ट के अंदर कुछ, क्या उसका भी तरीक़ा वही है? उसका भी तरीक़ा है, उसमें भी इलाज है, वो भी एक तरीक़ा इलाज है। हम लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ भी ज़्यादा माइल करते हैं, हम बताते हैं कि भाई सजदे के अंदर 80 बीमारियों का इलाज है। अगर किसी को भी माइग्रेन की बीमारी है वो सजदा कर ले, हार्ट है तो सजदा कर ले। सजदा हमारा लंबा होना चाहिए क्योंकि हमारा जो है मेन बॉडी के अंदर हमारा पार्ट्स जो काम करने का है वो खून है। हमारी खून की अगर दौरान सही नहीं हो रही है तो हमको हार्ट आएगा और माइग्रेन का प्रॉब्लम आएगा और आँखों का प्रॉब्लम आएगा। अगर हमारा सजदा अगर लंबा हो गया इंशाल्लाह सारे मसलों का हल सजदे में है अल्लाह के फजल से। आजकल लोगों को ज़्यादातर हार्ट की शिकायत हो रही है, कई लोगों के हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, इसके लिए क्या इलाज? देखिए उसके लिए हमारा आकुपंचर भी है और हम जो है काढ़ा वगैरह भी देते हैं लोगों को, बहुत सारी दवाएं हैं हमारे पास। तो इसके लिए जो है लोग यहाँ से ख़ास तौर पर हैदराबाद जाते हैं काढ़ा पीने के लिए, क्या वो काढ़ा आपके पास भी है? नहीं, हमारा इलाज अलग है, आकुपंचर से भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज हो जाता और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे मरीज़ों को भी इसमें भी शफा किया हूँ, जिसका सांस की तकलीफ़ है, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है उसके लिए भी दवा रखे हुए हैं। फिर भी हकीम साहब ज़्यादातर लोग ये हार्ट की शिकायत होती क्यों? ये हमारे अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो क्या है उसका जो है वाल बंद हो जाता है। लोग किन चीज़ों से परहेज करें? परहेज क्या है, चिकनाओं से परहेज करें, चिकने चीज़ से। अब हमारा जो है जितने भी चर्बी बढ़ने वाली चीज़ें हैं उन सबको जो है डिवेट कर दे। आखिरी सवाल, आप जब कलौंजी रखे ही हैं तो इसके बारे में हदीस भी है, इसके ताल्लुक से एक दो अल्फाज। देखिए ये हब्बतुस सौदा इसको अरबी में बोलते हैं कलौंजी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। एक चुटकी भर कलौंजी जो है सिर्फ 7 दाने सुबह में अगर ले लेंगे हम जो है हमको राहत भरी ज़िंदगी है। हमको सबसे पहले यकीन होना चाहिए, अगर यकीन के साथ हम जो है इस कलौंजी को इस्तेमाल करेंगे, नबी की बात पर यकीन करते हुए करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर हमको जो है भरपूर शफा मिल सकती है। और दूसरी बात जो है, मैं कलौंजी खाने का भी तरीका मैं बोल रहा हूँ, 7 दाने मुँह में रख के मुँह बंद करके हमको चबाना है। मुंह बंद करके अगर हम चबाएंगे और उसके साथ में अगर गर्म पानी पिएंगे यकीन के साथ इंशाल्लाह उसको हार्ट के वाल भी खुल जाएंगे। भरपूर शफा इस कलौंजी के अंदर हमको जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर भरपूर यकीन है क्योंकि कलौंजी में हमारे लिए शफा रखी है। शफा के इरादे से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हमको ज़रूर शफा मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर लोग आपसे मिलना है तो फिर कहाँ रब्ता करें? हम जो है इंशाल्लाह यहाँ पे जो अली कॉलोनी के अंदर LBS नगर अली कॉलोनी में जो हम मुफ्त तिब्बी कैंप रखे हुए हैं इंशाल्लाह यहाँ पे जो है एक महीने में एक बार कैंप रखेंगे और तकरीबन हम जो है डेट अभी मुकर्रर नहीं करे हैं, इंशाल्लाह डेट मुकर्रर करने के बाद सब लोगों को बता देंगे कि भाई हर महीने की इतनी तारीख में जो है हमारी खिदमत खल्क रहेगी इंशाल्लाह। आटो नगर में भी वहाँ पर भी वक्त लगाएंगे, वहाँ का भी डेट मुकर्रर करना है इंशाल्लाह, वहाँ पर भी डेट के साथ जो है मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया हकीम साहब। नाज़रीन, जैसा कि अभी हकीम साहब आपके सामने तफसीली बता रहे थे और ये नीचे मैं आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर भी मौलाना का हकीम साहब का दे रहा हूँ, आप चाहे तो इस नंबर पर भी रابطہ करें और महीने में एक बार उसका जो डेट है वो भी इंशाल्लाह मैं आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बावजूद उसके कई एक लोग यहाँ पर, मैं भी इनसे एक साल पहले मुलाकात करा था, कई लोग यहाँ से शफायाब हो रहे हैं। मैं आपको A1 TV के ज़रिए भी ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आपको अगर वाकई में कुछ अमराज की बीमारी हैं
तो वाकई में इनके बातों से ऐसा लग रहा है और कई लोगों से भी जो शिफायाब हुए हैं, मैं उनसे भी आइए बात करता हूँ और भी तफसील मालूम कर। ज़्यादा जाने को हुआ तो अगर उसको कुछ स्किन का डिसीज़ है या जिसको शुगर ज़्यादा है, जिसको जिसकी बॉडी में खून नहीं है, जिसको बुखार है, वो हालत में हिजामा नहीं कराना। जो हिजामा करा रही है उन लोग के लिए परहेज क्या है कि 5 दिन में ज़ख़म सूख जाता। ज़ख़म बोले तो बस छोटा सा कट लगा दे। आप लगाते हैं उसका जो ज़ख़म होता है वो कितने दिन में सूख जाता? वो ज़ख़म नहीं रहता, रेड कलर का, जैसे कि फेर रहे, गोरे रहे, जब लोचे तो रेड आ जाता ना, वही है। ज़ख़म नहीं बनता उसका कुछ भी, बस जो 5 दिन से 6 दिन में चला जाता हो, बिल्कुल चले जाता दिक्कत। अगर चेहरे पर भी कोई अगर वो कब बिठाए तो उसका भी निशान नहीं रहता? हाँ, चेहरे पे अगर फेर रहे तो 8 दिन रहता, तो 5 डेज में चला जाता, दिखता भी नहीं। वैक्यूम के ऊपर है, अगर आप ज्यादा वैक्यूम कर दिए तो रेडनेस ज्यादा आता, अगर कम करे तो नहीं दिखता, समझिए। बस यानी इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डरने की जरूरत नहीं है। ये इलाज आज का नहीं है, 5000 साल पुराना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले से चल लेते आ रहा है, तिब्बे नबीवी में मिलता है। क्योंकि अब ये ज़्यादा प्रमोट हुआ, जैसे कि अमेरिका में भी एक ओलंपिक में स्विमर है, स्विमिंग जो किया, उन्हें 9 गोल्ड मेडल्स मारा उन्हें, तो उसको भी कपिंग थी। रॉक है WWF का, उन्हें कराया, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कराने से लोग ज़्यादा करा रहे। नहीं तो ये क्या है, इस्लामिक हद तक महदूद था, चाइना मलेशिया उस साइड में ज़्यादा चलता था। अब हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से बहुत ज़्यादा इसमें जोश व खरोश आया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। एक आदमी बवक्त एक वक्त कितने कप लगा सकता? उसकी बॉडी की कैपेसिटी देख के लगाना पड़ता, और तजुर्बेकार जो लोग हैं वो करना, मिनिमम 5 कप लगाते, 5 कप, 7 कप, 9 कप। सुन्नत पॉइंट्स रहते, फर्स्ट आदमी को सुन्नत तरीके से 5 पॉइंट लगाते, उसके बाद उसको कुछ डिसीज़, कुछ प्रॉब्लम है वो पूछ के उसके हिसाब से उसको करा जाता है हिजामा ऐसा। आपका नाम? मोहम्मद मौज़म। कहाँ रहते हैं? मैं हैदराबाद में हूँ। अगर लोगों को आपसे शिफा हुआ इससे फिर कराना चाह रहे तो कहाँ मुलाकात? हैदराबाद में ही आना पड़ेगा, तो हकीम साहब से हम साथ है, तो हम उन्होंने इनवाइट किए, तो हमारे यहाँ पे कैंप है हिजामे काबुल के। हैदराबाद में कहाँ रहते हैं? हसन नगर में। आपका कार्ड अगर दिए तो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक। नाज़रीन, जैसा कि अभी हकीम साहब बता रहे थे कि हिजामा सुन्नत भी है और इलाज भी है, कई लोग उसके ताल्लुक से मुझे सवालात भी करते हैं कि वो जो कप होते हैं उसके निशान से हमारे को डर होता है, कहीं वो कंटिन्यू तो नहीं रहेंगे। मगर हकीम साहब का कहना है कि बवक्त 1 हफ्ते तक वो रहेंगे, मगर उसका निशान बाद दिखेगा नहीं। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू से। जामा कराने हैं? जी हाँ, जामा कराने हैं। क्या होते हैं? इसी सुन्नत के तरीके से जामा कराना बोल के थे। कुछ भी पिंपल्स हो रहे थे इसलिए कुछ कराना, दुम्बल पिंपल हो रहे थे इसलिए कराया। पिंपल्स हो रहे मेरे को, दुम्बला हुए हो रहे तो कराने आया। सुन्नत है, शिफा भी है बोल के करा रहा हूँ, दुम्बल भी है बोल के करा रहा हूँ। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। मोहम्मद अवेज अहमद। इसी तरह से नाज़रीन, ये जो हेल्थ कैंप है इसके ताल्लुक से मैंने तफसील हकीम साहब से भी आपके सामने रखा कि आटो नगर में तकरीबन सालों से आते हैं, कई रायचूर के शहरी उनके पास अपने इलाज को बताते हैं और कई लोग शिफा भी हो रहे हैं। आइए, इन्हीं में से एक मेरे सामने मौजूद है, शामिद भाई, A1 TV में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम सब। मैं तो भी बताया सब, अब हकीम साहब के पास बता दिया वो क्या होगा। जॉइंट क्या इलाज बताया? जॉइंट पेन के वास्ते बताया था सब। घुटनों का दर्द पूरा जिसम पूरा मारा सर का हो रहा था, वो इलाज कर दिए, पूरा बेफिक्र आराम से हो गया। कितने दिनों से बता रहे? मैं एक 3-4 महीने से बताया सब। क्या दवा क्या दी आप? दवा दिए थे सब मेरे को, एक दूध में डाल के पीने की दवा दिए थे, शहद में डाल के पीने दवा दिए थे, दवा खाने के वास्ते नारपीट से खाने के वास्ते भी दवा दिए थे सब मेरे को। वो दवा खाने से पूरा चले गया सब मेरे को। किस लिए होता बोले? क्या है ये, उसके अल्लाह कुदरत का मालूम सब। मेरे को भी दवा दिए थे, वो कई वास्ते होता, कमज़ोर से होता। बस लोगों को कमज़ोरी से, बस लोगों को वज़न आपके जैसा बढ़ने से। वज़न से भी बहुत होता बोले सब। आप कैसा है? आपको आराम से है सब, बिल्कुल आराम से। आप
पलटे में वो दर्द नहीं है जो पहले था भाई, पहले का दर्द तो भी नहीं है। मेरे को 12 हिस्सा चले गया, 14 हिस्सा बचा। अब लैटन गिटन बहुत तो आसन से बैठते हूँ, आसन से उठते हूँ। नमाज पढ़ना बहुत तकलीफ होती सब मुझे, यानी जरूरत को और नमाज के लिए तकलीफ होती थी, अब वो नहीं हो रही। अब नहीं हो रही सब, अब नहीं हो रही। और कितने दिन खाना बोले? और एक 15-20 दिन खा लो छोड़ दो बोल को बोले सब। यानी आपके हिसाब से हकीम साहब का जो इलाज है उसमें शिफा है? शिफा है सब, शिफा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सब। मैं भी बताया हरचंद्र रामचंद्र साहब डॉक्टर, बताया हरीश मृत्यु को, बताया वो कम नहीं हुए मेरे, खाली गोलियाँ खाने से बहुत बहुत तकलीफ पड़ी थी सब। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि शामिद भाई का कहना था कि ये डॉक्टर से भी, कई डॉक्टरों से इन्होंने रابطہ किया, जैसे कि वो बता रहे थे, बावजूद उनके घुटनों का दर्द कम नहीं हो रहा था, मगर यहाँ पर 2-3 महीने में हकीम साहब की दवाइयों से उन्हें शिफा हो रहा है। मैं A1 TV के ज़रिए भी आपसे कहना चाहूँगा कि महीने में एक बार यहीं पर डेट भी आपको बोला जाएगा, ये कैंप रखा जाएगा। अगर ना कि सिर्फ घुटनों के, कई एक इलाज के लिए भी यहाँ पर दवाएं रखे गए हैं। आप आइए, यहां से रابطہ भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, और जो भी आपके सवालात होंगे तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में रखिए। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू से।